नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। पटना नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल पटना नगर निगम क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी बैठकों में अब आप बोतल बंद पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नगर निगम की जैव विविधता प्रबंधन समिति ने बैठक में बोतल बंद पानी का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका पालन नहीं करने वालों से निगम अब जुर्माना वसूलेगा। समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। इस बैठक में बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2015 में जारी किए गए आदेश और उसको लागू करने पर चर्चा हुई। सरकार ने विभागीय बैठकों में बोतल बंद पानी का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था। हालांकि सरकार के इस आदेश के बावजूद सरकारी बैठकों में भी बोतल बंद पानी का इस्तेमाल होता रहा। लेकिन अब नगर निगम की जैव विविधता प्रबंधन समिति की मुहर लगने के बाद इसके नगर निगम के क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम शुरुआती दौर में अपने कार्यालय में इसको सख्ती से लागू करेगा। इसके बाद अन्य सरकारी और निजी कार्यालयों में इसको लागू करवाने पर जोर दिया जाएगा। निगम क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को पत्र भेजकर इस संबंध में लोगों को जानकारी दी जाएगी। वहीं नियम नहीं मानने की शिकायत मिलने पर पर्यावरण के नियमों के अनुरूप जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। जो लोग नियमों को नहीं मानेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करके जुर्माना वसूला जाएगा। आपको बता दें कि बैठक में पेड़ पौधे पशु पक्षी के संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। स्लम बस्तियों में कम से कम 5 पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें नीम पीपल बरगद के वृक्ष लगाया जाएगा। पशु पक्षियों में गौरैया मैना चील व अन्य जीव जंतुओं के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लंबी आयु वाले वृक्षों को चिन्हित कर उनका संरक्षण किया जाएगा। आगे से निगम के सभी बैठकों की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ लेकर की जाएगी। वहीं समिति ने गंगा रिवर फ्रंट पर वृक्षारोपण करने का फैसला लिया है। बैठक में विशेष सदस्य के रूप में उपस्थित महापौर सीता साहू ने निर्देश दिया है कि समिति की बैठक में जितने भी निर्णय लिए गए हैं उनका 100% पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नगर निगम अपनी अलग पहचान बनाएगा। बताते चले कि प्लास्टिक बोतल के निर्माण में बिस्फेनॉल ए नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है, जो मानव शरीर के लिए खतरनाक है। बोतल का ढक्कन रिसाइकिल नहीं हो पाता है। प्रत्येक वर्ष प्लास्टिक खाने से 10 लाख से अधिक पशु पक्षी एवं मछलियों की मौत हो जाती है। एक बोतल के निर्माण से 6 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और 5 लीटर पानी का अलग से प्रयोग किया जाता है। एक बोतल का वजन 30 ग्राम होता है। अगर 100 व्यक्तियों की बैठक में बंद बोतल का इस्तेमाल किया जाता है तो केवल बंद बोतल के इस्तेमाल मात्र से 18 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। 3 किलो गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का उत्पादन होगा और 500 लीटर अतिरिक्त पानी का अनावश्यक उपयोग होगा। इन सभी समस्याओं से पर्यावरण को बचाने के लिए पटना नगर निगम ने अब फैसला लिया है कि बोतल बंद पानी का उपयोग सरकारी या निजी कार्यालयों में नहीं किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।